हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं किंग बुलेट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज फिर मेरे पास एक छोटू सा कमाल का चीज़ है जो कि इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं। और ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है उन सभी भाइयों के लिए जो जिनके घर में बच्चे हैं या फिर गाड़ियां हैं, जो भी ऐसी चीज़ जो बाहर जाती है और आपको उसका फिक्र रहता है, उसके लिए ये चीज़ काफ़ी यूजफुल हो सकती है। क्या है ये, चलिए जानते हैं। गाइस, बेसिकली एक जीपीएस ट्रैकर है, मिनी जीपीएस ट्रैकर बोल सकते हैं इसको, वायरलेस जीपीएस ट्रैकर है। काफ़ी छोटा सा, कॉम्पैक्ट सा है और ये मतलब आपके पैकेट में फिट हो जाएगा, आपके बैग में फिट हो जाएगा, आपके कहीं भी आप इसको रख सकते हो, चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, आप कहीं भी इसको आराम से इसको रख सकते हो और इसको ट्रैक कर सकते हो। और ये मैग्नेटिक भी है, आप मैं एक बार दिखा दूं, एज यू कैन सी ये चिपक गई, देखो ये काफ़ी हार्ड भी है, जल्दी निकलता नहीं है। अगर मैं नीचे के सरफेस पे लगाऊं तब भी आप देख सकते हो, अगर मैं कहीं साइड वाले सरफेस पे लगाऊं तब भी आप देख सकते हो, ये आराम से चिपक जाता है, ये मैग्नेटिक है। कहीं भी आप इसको रख सकते हो, अपने गाड़ी में, अपने मोटरसाइकिल में, अपने कार में, कहीं भी इसको आप रख सकते हो। उसके बाद आप उस चीज़ को ट्रैक कर पाओगे कि आपकी गाड़ी, आपके बच्चे, आप मतलब कोई भी चीज़ को आप ट्रैक करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे अगर बॉक्स की कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक सिम कार्ड मिलती है और जिसे आप इसके अंदर लगा करके एक्टिवेट करोगे, और आपको कुछ बुकलेट मिलती है और यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल भी मिल जाती है जिसे आप इसको चार्ज करोगे। बाकी गाइस, अगर इसके बॉक्स की बात करें तो इस टाइप के बॉक्स में आती है यहाँ पे, और ट्रैक लिखा हुआ है, इंडिया का नंबर वन जीपीएस ब्रांड है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 50,000 व्हीकल को इंट्रैक कर चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा इनके जो हैप्पी कस्टमर्स है, 200 प्लस इनके जो है कस्टमर सपोर्ट्स है। तो आप इनको आप देख सकते हो, यहाँ पे इनके सारी डिटेल्स दी गई है। और सॉफ्टवेयर के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट करके सॉफ्टवेयर के लिए आप इनसे ले सकते हो, और बाकी डिटेल्स आप इन दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके जान सकते हो। यूजिबिलिटी की बात करें तो इसको यूज़ कैसे करना है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पोर्ट दिया हुआ है जहाँ पे आप सिम कार्ड अपना लगाओगे, एक सेकेंड, जहाँ पे आप सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, सिम कार्ड इंसर्ट करने की जगह यहाँ पे एक बटन है जहाँ जिससे ये ऑन होगा, और यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने के बाद बस ये गुड टू गो है, कहीं पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक्टिवेट करना है अपने फ़ोन में, इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप आराम से इसको ट्रैक कर पाओगे। चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि इसको किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इनका जो ये एप्लीकेशन है आपको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों जगह मिल जाएगा। आप इनके बॉक्स पे स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली गाइस देखो, मैं एक गाड़ी में इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये दिल्ली नंबर गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे इसके फीचर्स की पहले बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जस्ट लाइक लाइव मैपिंग की आपको एक फ़ीचर मिलता है। जैसे अगर आपकी गाड़ी कहीं चल रही है तो आप उसको लाइवली देख सकते हो कि किस टाइम पे, किस जगह पे आपकी गाड़ी मूव कर रही है, वो आप इसको देख पाओगे। सेकंड चीज़ जो है, किलोमीटर की आप समरी देख सकते हो कि डेली वाइज आपकी गाड़ी कितनी चल रही है, और ट्रैवल समरी भी देख सकते हो कि किस डेट में कितनी चली, आप डेट वगैरह एडजस्ट करके आप देख सकते हो। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे सेटिंग में आपको कुछ सेटिंग मिल जाती है, जैसे कि डैशबोर्ड में लाइव मैप चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। पासवर्ड चेंज वगैरह ये सब चीज़ आप कर सकते हो। और उसके बाद फ्यूल प्राइस वगैरह भी आप इसमें चेक कर सकते हो सिटी वाइज कि आपकी सिटी में क्या चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पे यही चीज़ है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पे आप कॉल करके अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इनके कस्टमर सपोर्ट से आप बात कर सकते हो। बात करें सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू की तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, ये आपके जो डैशबोर्ड में आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आप देख सकते हो डेट वाइज कि आपकी कौन से डेट में गाड़ी आपकी कितनी चली। उसके बाद रिपोर्ट्स देख सकते हो आप गाड़ी के, जो भी आपके गाड़ी के जो भी स्टेटस है उसके रिपोर्ट्स आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। और उसके बाद गाइस, यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाओगे तो जो भी आपके गाड़ी से नोटिफिकेशन आई रहेंगी यहाँ पे दिख जाएगी। सेकंड चीज़, यहाँ पे सर्विस अलर्ट की है जहाँ पे आप अपने कोई भी सर्विस, जैसे इंश्योरेंस हो गया, रोड टैक्स सर्विस, पॉल्यूशन, ये अपने डेट सेट कर सकते हो। वो डेट आने से पहले आपको रिमाइंड कर देगा, ये चीज़ भी आप सेट कर पाओगे। और उसके बाद पार्किंग मोड में अगर आप इनेबल कर देते हो तो पार्किंग मोड से अगर गाड़ी हटती है तो आपको कुछ सायरन बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी पे छेड़छाड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे आप देख सकते हो।
बाकी ड्राइवर का ऑप्शन यहाँ पे है कि अगर आप अपनी गाड़ी खुद नहीं चलाते और कोई ड्राइवर चलाता है तो आप उसको असाइन ड्राइवर करके आप ड्राइवर की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी उनके नाम नंबर उनके लाइसेंस के नंबर जो भी है आप इसके अंदर डाल सकते हो। सैलरी भी आप डाल सकते हो कि आप अपने ड्राइवर को क्या सैलरी पे कर रहे हो। तो यहाँ पर एक उनका डैशबोर्ड अलग से बन के किस वक्त में कौन सी ड्राइवर जो है आपकी गाड़ी लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप इसमें चेक कर सकते हो। तो ये कुछ ओवरव्यू इनके सॉफ्टवेयर का। बाकी गाइस इसके अंदर जो आपको कंपलसरी फीचर्स है वो तो सारे मिलते ही है, जैसे इग्निशन ऑन ऑफ ओवर स्पीड आइडल के ये सारे जो है आपको मिल जाते हैं, आप इसको बस टिक करके ऑन करके रखना है आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी सारे फीचर्स है जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये छोटा सा GPS ट्रैकर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस चीज़ को खरीद सकते हो, ऊपर दिया गया नंबर है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो, या फिर ये जो वेबसाइट आ रही है इस पर आप विजिट करके भी खरीद सकते हो। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जाके खरीद सकते हो। सो आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।